आज शहीदी दिवस पर भारत के शहीदों को नमन किया गया, मुख्य रूप से सुरेश राजा, देवेंद्र कुमार, मनमोहन सिंह, प्रेमलाल, सुरेश शर्मा आदि शामिल हुए। दीपक चौक हीरानगर में कार्यक्रम किया गया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, उनके योगदान को याद किया गया। आज जो हम आजाद भारत पल खोल रहे हैं, उनका सारा श्रेय हमारे शहीदों को जाता है, चाहे भगत सिंह पुरी जी हो या सुखदीप सिंह। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत के शहीद अमर रहेंगे। शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद राजगुरु अमर रहे, शहीद राजगुरु अमर रहे, शहीद सुखदेव अमर रहे, शहीद सुखदेव अमर रहे। बंद कर देना, एक मिनट ठहरो। आज 23 मार्च जो कि हमारे देश के एक बड़ा अहम दिन है, आज शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दी गई, क्योंकि उनका कसूर यही था, वो अपने देश के, अपने लोगों की आज़ादी की मांग कर रहे थे। उनकी फांसी जो 24 मार्च को तय की गई थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने एक दिन पहले जबरन उनकी फांसी दिलवा दी गई। और ये मैसेज पूरे देश में आग की तरह फैला था और घर घर में ये आंदोलन की चिंगारी है। और इससे अंग्रेज सरकार भी चुप गई थी कि हमने कौन सा कार्य कर दिया, और देश की ये चिंगारी आग की तरह भड़की। और इन्हीं तीन शहीदों ने हमें आज जिस हम फ्रीडम से, जिस डेमोक्रेसी से हम रह रहे हैं, ये सब इन्हीं की देन से, सब इन्हीं की बलिदान से आज हम अपने आज़ादी के लिए आज़ादी से रह रहे हैं, आज़ादी से खा रहे हैं, अपने डेमोक्रेटिक राइट का मजा ले रहे हैं। इन्हीं शहीदों ने जो हमारे देश के, जिन्हें सच्चे शहीद, सच्चे हीरो माना जाता है, अफसोस होता है कि इन शहीदों को हमारे कुछ लीडरों ने इग्नोर किया। इनका देश में किसी भी तरह का इनका कोई योगदान नहीं दिया गया और हर चीज लीडरों के नाम पे बनाई गई। लेकिन मैं आज के नौजवान से कहूँगा, ये हमारे शहीद हमारे लिए गौरव हैं, हमारी शान है और हमारा एक प्रेरणा सूत्र है, इसलिए कि हम आगे बढ़ेंगे। और यही नहीं, जब इस अंग्रेज सरकार ने जलियांवाले बाग में निहत्ते बच्चों को, माताओं को, बहनों को गोलियों से भून दिया था, इन्हीं में से हमारे एक भाई ने वहाँ जाके ब्रिटिश सरकार के अंदर जाके, उनके कोर्ट के अंदर जाके बम फोड़ा था, अपनी माता बहनों का अपना बदला लिया था। ये शहीद वो थे जिन्होंने अपनी जान कुर्बानी दी और उन्होंने कोई पॉलिटिकली बेनिफिट नहीं मांगा, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए बलिदान दिया। और इनका हम बलिदान कभी नहीं भूलेंगे। हम हमेशा, मैं नौजवान से कहूँगा कि ऐसे ही हमारे हीरो, जो हमारे देश के हीरो नहीं, हमारे भी हीरो हैं, हम इनको सोच नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं देवेंद्र लाल यादव से मिलान करता हूँ। जैसे आप सभी साथियों को पता है कि आज 23 मार्च है, हमारा बहुत बड़ा दिन है हमारे देश के लिए। 23 मार्च को हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को अंग्रेजों को द्वारा फांसी दी गई थी, उसी के दिन को याद करते हुए आज हम इकट्ठे हुए हैं। और ये दिन सभी धर्मों का है, एक मतलब कि एक किसी एक समुदाय का नहीं है। और इसी भगत सिंह के जो उन्होंने जो कार्य किए थे, उसके चलते हुए आज हम जो जिंदगी हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जो हम जी रहे हैं, ये सब उन्हीं की देन है। तो हमें ये हर दिन, हर साल इनका ये दिन बढ़ चढ़ कर मनाना चाहिए। सभी समुदाय से मेरी एक रिक्वेस्ट है, और मैं हीरानगर की आवाम की तरफ से, और जो हमारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह जी हैं, मैं उनको शत शत नमन करता हूं। और उनका मैं बहुत, हमारे देश के लिए एक बहुत अहम योगदान है, जो हमारा आज हम दिन, जो देश में जो हालात हमारे हैं, सभी उन्हीं की देन है। और हीरानगर की आवाम की तरफ से मैं उनको शत शत नमन करता हूं। और जय हिंद, जय भारत। नगर में आए हैं और हमने 23 तारीख के रूप में हमने अपने जो, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई थी, जिन्होंने आज़ादी के रूप में अपनी जंग लड़ी थी हम लोगों के लिए, हमें आने वाले टाइम में हमें जो आज़ादी मिल सके, हम अपने
अधिकारों से जी सके, उनको हमने आज यहाँ पर याद किया है और उनके नाम की आज हमने जो भी है उनके नाम के जो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम लोगों से अपील करते हैं कि आने वाले टाइम में हम उनका ये दिन अच्छे और बढ़ चढ़ के मिलाएंगे और अच्छा जो योगदान करेंगे, हम जो कभी भी नहीं भूल सकते कि उन्होंने हमारे इस दिन को हमें जो इतना गौरवशाली और इतना अच्छा जो दिन दिया है, तो हम अपना इतिहास भूल चुके हैं और हम उन लोगों को ये हम एक अच्छा ऐतिहासिक दिन बनाएंगे और आने वाले टाइम में हम लोगों से अपील करते हैं कि घर से एक बंदा निकल के और अपना योगदान करे और उनके इस दिवस को अच्छे से मनाए और जय हिंद जय भारत। आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkekhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।